बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आज एक लैपटॉप है जिसकी हमने केसिंग है, बॉडी जो चेंज करनी है सारी, एचपी 450 है, G0 लैपटॉप है ये, कोर A3 की थर्ड जनरेशन है। इसकी कंप्लीट जो है केसिंग हमने चेंज करनी है, क्योंकि एक लैपटॉप की केसिंग जो है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, दूसरे लैपटॉप की केसिंग ओके है, बस उसका जो है मदरबोर्ड डेड है और LED वगैरह पहले ही उतार ली हमने, तो अभी कंप्लीट हम केसिंग वगैरह चेंज करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसमें साथ साथ आपको जो भी चीज़ें उतारना है का तरीका आपको बता दिया जाएगा, ताकि अगर आपके लैपटॉप में कोई ऐसा कोई इशू होता है तो आप खुद अपनी केसिंग वगैरह चेंज कर सकें, या कोई कीपैड या कोई और इशू हो तो आप इजीली उसको चेंज कर सकें। ये लैपटॉप है जिसकी हमने अभी जो है बॉडी चेंज करनी है सारी, यहाँ से भी ये डैमेज है और बैक साइड से भी ये बॉडी सारी डैमेज है इस साइड से, और वैसे भी हिंच जो हैं इसके वो ज़रा टाइट हैं, वो भी सेट कर लेनी है। तो ये HP 450 G0 है और कोर A3 की थर्ड जनरेशन है ये लैपटॉप। तो अभी इसकी जो है कंप्लीट बॉडी हमने चेंज करनी है, बॉडी इसके सारी, और आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये लैपटॉप है जिसकी सारी बॉडी जो है बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी डैमेज नहीं है। ये लैपटॉप टोटली जो है डेड है, इसकी LED भी उतार ली है, बकाया इसका कीपैड भी उतार लिया है, और इसके अंदर जो सामान था सिर्फ मदरबोर्ड है वो भी डेड है, और इसकी कंप्लीट जो है सारी केसिंग वगैरह ये देखें सारी ओपन है। ये वाले लैपटॉप को इस सारी जो चीज़ें हैं बोर्ड वगैरह LED कीबोर्ड हार्ड डिस्क रैम वगैरह सब इस लैपटॉप के अंदर लगानी है हमने। लैपटॉप को खोलने के लिए आपके पास एक ब्रिक जो है स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये एक ब्रिक स्क्रू ड्राइवर है, एक स्ट्रेट माइनस का स्क्रू ड्राइवर है, और साथ ये जो है स्टार किट है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्क्रू हैं कुछ स्टार ये हैं, फोर हेड हैं, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे अगर देखें तो ये स्टार किट है, ये थोड़ा सा इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ भी, ये देखें ये सारी जो है स्टार किट है। तो कुछ आपके पास होने चाहिए स्क्रू ड्राइवर, ओपन कर लीजिए, एक स्टार किट होनी चाहिए, ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तकरीबन तो आपको 400 या 500 के करीब आपको कंप्लीट जो है ना लैपटॉप स्क्रू ड्राइवर मिल जाते हैं। तो अगर आप उसमें क्वालिटी चाहते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के लेना चाहते हैं, तो फिर आपको तकरीबन वो 1000 के करीब 1000 के करीब मिलेगा। यहाँ पे देखें तो मैंने ये पैसे ही पहले ओपन था लैपटॉप, लेकिन ईजिली मैंने ओपन कर लिया, लेकिन अभी न्यू वीडियो जो बनाएंगे, जो हमने ओके लैपटॉप है ये वाला, इसको हमने कम्प्लीट ओपन करना है, फिर इसके अंदर ये केसिंग को चेंज करेंगे। तो ये साथ साथ वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आप तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इन लैपटॉप में जो जो इश्यूज़ आते हैं वो भी आपको मैं साथ साथ गाइड कर दूँगा। ये इसका जो है मदरबोर्ड है, अगर आप इसकी सर्विस वगैरह नहीं करते, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा देता हूँ, आप सर्विस वगैरह नहीं करवाते तो यहाँ पर इसका जो है प्रोसेसर फ़ैन होता है, प्रोसेसर होता है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि इसकी जो है आप सर्विस खुद कर लिया करें। आपको मैं साथ साथ बताऊंगा कि अगर आपके लैपटॉप में कोई इशू है तो वैसे भी आपको चाहिए कि इसको ओपन करने के बाद आप खुद घर पे सर्विस वगैरह कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। ये HP 450 जो लैपटॉप है, सिंपल इसको ऐसा ओपन करना है, ये इसके जैक हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आपने इसकी बैटरी उतारनी है, यहाँ पे दोनों जैक को आपस में ऐसे मिलाना है, ये बैटरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लैपटॉप के अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी है, इसकी सर्विस वगैरह भी करनी है हमने, तो इसकी जो रैम है ये उतार लेंगे, और इसकी हार्ड ड्राइव जो है ये भी उतार लेनी है। फोर हेड स्क्रू ड्राइवर चाहिए आपको, जो माइनस का पेज प्लस वो भी चाहिए होगा साथ आपको, और यहाँ पे ये दोनों स्क्रू हैं ये उतार लेनी है। वैसे फोर होते हैं इसकी लैपटॉप के, तो जो है स्क्रू ड्राइवर स्क्रू लगेंगे दोनों को उतार लिया है। साथ यहाँ पे स्टार किट चाहिए हमें DVD रोम ओपन करने के लिए। बस ये आपने ख्याल करना है, जहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर को स्क्रू उतारते हैं तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वही आपने उसी जगह पे लगाना भी है, तो ये थोड़ा सा आपने खुद ही ख्याल करना है। ये इसका DVD रोम है, ये भी उतार लिया है, और अब इसका जो है हमने वाईफाई कनेक्शन जो है वो भी ख़त्म करना है। ये इसके दो नए वायर हैं, ये आप देख लेनी है कि जो वाइट वाली है ये इस साइड पे लगी हुई है, ये वाइट स्टिकर भी लगा होगा,
और ये ब्लैक वाला जो है इस साइड पे लगी हुई है ये भी उतार लेनी है। ये बस थोड़ा सा ख्याल करना है, इसके भी दो स्क्रू हैं ये भी उतार लेने हैं यहीं से। लैपटॉप के जो भी स्क्रू हैं इनको ज़्यादा टाइट नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा टाइट करें तो ये देखेंगे इसका जो है जो स्क्रू है इसका सारा जो मुंह बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसको अब ओपन करने के लिए हमें थोड़ा सा इसके ऊपर ज़ोर आजमाई करनी पड़ेगी, तो इसको अब ओपन करना है हमने। ये वाईफाई की वायर है ये उतारनी है, साइड पे कर लेनी है। और इसके बाद आपने जहाँ पर भी स्क्रू ड्राइवर है, ये रबड़ के नीचे भी स्क्रू ड्राइवर होते हैं, इसको भी ऐसे ओपन कर लेना है आपने, यहाँ पे भी है। और अब जो है आपने देखना है कि स्क्रू लगे कौन से हैं, ये सारे स्टार किट के लगे हुए हैं, तो ये इजीली आपने सबको ओपन कर लेना है। इस लैपटॉप के साथ हमने सर्विस भी करनी है और केसिंग जो है सारी चेंज करनी है। ये सारे जो हैं स्क्रू ड्राइवर आपने साइज देख लेना है, ये एक साइड पे रख रहे हैं इस तरह कि आपको पता हो कि ये जो है मेन बोर्ड के हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मैंने सारे अलग कर लिए हैं। एक हमारा जो है ये स्क्रू जो है ये डिविल रोम का था, ये रबड़ भी साइड पे रखना है। ये हार्ड ड्राइव के स्क्रू हैं, ये मैंने साइड पे रख लिए हैं। इस तरह ये आपने कर लेना है, स्क्रू जो भी उतारें वो साइड पे कर लें। लैदर लैदर पड़े होंगे, आपको पता होगा कि कौन से स्क्रू किस तरह के हैं। इसी तरह यहाँ पर लगा हुआ है ये भी उतार लेना है। ये सारे इस साइड पे छोटे जो हैं एक साइड पे रख लेने। ये हार्ड ड्राइव के साइज़ के हैं, ड्राइवर यहाँ पे भी रबड़ लगी, इसको भी लेना, थोड़ा सा दबा के बाहर निकलाइए रबड़। और यहाँ पे भी देखिए स्टार पे स्क्रू, इसको भी साइड पे रखने। और यहाँ पे सभी स्क्रू जो हैं उतार लिए, एक यहाँ पे लगा हुआ है ये भी उतार लेने हैं, एक यहाँ पे है ये लगा हुआ है। ये कीबोर्ड के हैं कीपैड के, यहाँ पे आप देखें तो कीपैड के निशान जो है बना हुआ है, इसके साथ कीबोर्ड बना हुआ कीपैड बना हुआ है। ये कीपैड के दो स्क्रू हैं, ये भी आपने उतार लेने हैं। जब तक पूरे स्क्रू नहीं उतरेंगे तब तक आपने जो है ज़्यादा जोर नहीं लगाना, क्योंकि ये लैपटॉप के जो केसिंग के छोटे छोटे जैक होते हैं रबड़ के या प्लास्टिक के, वो टूट जाएंगे तो फिर आपकी केसिंग जो है सही तरीके से नहीं बैठेगी। तो ये आपने पहले ही गौर करना है कि जितने स्क्रू ड्राइवर हैं हर जगह से उतार लेने हैं आपने। और देखते थे यहाँ पे कोई और स्क्रू ड्राइवर कोई ऐसा, यहाँ पे ये देखें सिर रोम के लगे हुए हैं, ये बिल्कुल ब्रीक से होंगे, हार्ड ड्राइव के साइज के हैं, ये अलग रख लेने हैं। और देखिए यहाँ पे की बोर्ड तकरीबन सभी जो है ना यहाँ से उतर गए हैं। अब इसको करते हैं जी यहाँ से सीधा, इसके बाद कीबोर्ड जो है सबसे पहले उतारेंगे। कीबोर्ड के ये जैक पीछे को आपने खींचना है थोड़ा सा, और यहाँ पे ये कीबोर्ड बाहर आ जाएगा, ये इसका जैक है, ये बाइट निकाल लेना है। फिर इसको भी हल्का हल्का जो है अभी इसकी सर्विस वगैरह हमने करनी है। ये यहाँ पे ये जैक है, ठीक है, ये आपके इस इन बटन का जैक है, ये उतार लेना है और इसको साथ ही बंद कर देना है। ये पावर का जैक है, थोड़ा सा ब्लैक है, इसको ऊपर करेंगे और जैक जो है आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये जैक है आपका, इसको भी ओपन कर लेना है। इसके बाद ये स्पीकर है, स्पीकर भी उतार लेने हैं। और यहाँ पे अगर देखें बोर्ड के ऊपर भी यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, और ये स्टार किट है, ये बिल्कुल अलग रखने साइड पे। डस्ट वगैरह आप देख सकते हैं सारे की लैपटॉप के ऊपर काफ़ी डस्ट है, क्योंकि इसकी सर्विस कभी हुई नहीं है, तो इसकी सर्विस भी अभी साथ ही हो जाएगी। यहाँ पे आप भी कोशिश करेंगे अगर लैपटॉप की सर्विस आपने नहीं करवाई तो उसको करवा लिया करें, क्योंकि सर्विस नहीं कराएंगे तो प्रोसेसर जो है प्रोसेसर फ़ैन के ऊपर डस्ट आ जाएगी और वो हीट होगा और आपका लैपटॉप जो है प्रॉब्लम करेगा हार्डवेयर वाइज।
ये इसके सारे जैक पेच उतार लिए हैं। अब यहाँ से इसकी केसिंग उतार लेनी है। ये देखें, ये सारे स्क्रू जो उतार लिए, इसलिए बहुत आसानी से जो है फ्रंट कवर उतर गया है। ये हम साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पे ये केसिंग डैमेज है इस साइड पे, और यहाँ से भी डैमेज है केसिंग सारी। और अभी बोर्ड जो है वो ये भी उतार लेना है। ये इसका पावर का जैक है, ये भी उतार लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें तो मदरबोर्ड है, स्क्रू है, ये भी उतारना है। और यहाँ पे लगा हुआ स्क्रू, ये भी उतारना है। ये इसकी एलईडी का जैक है, ये भी उतार लेते हैं। ये जैक लगा हुआ, स्क्रू लगा हुआ है, भी उतार लिया। ये इसका मदरबोर्ड है लैपटॉप का, HP 450 का। ये प्रोसेसर फैन है और इसके नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है। ये वाईफाई कार्ड है, ये सीमोस बैटरी सेल है, ये रैम स्लॉट है, ये DVD रोम की है, और ये हार्ड डिस्क की स्लॉट है। इनको अभी सारी को सर्विस भी करना है। ये टिथ ब्रश है, इसी की वजह से हमने यहाँ पे हल्का हल्का ज़्यादा जोर लगाना, यहाँ पे देखें दस किलो है, बिल्कुल स्लो स्लो करना है, ज़्यादा नहीं आपने जोर लगाना है, क्योंकि ये जो जंपर हैं छोटे छोटे या ट्रांजिस्टर हैं, ये टूट भी जाते हैं। ये जो है प्रोसेसर फैन, यहाँ से हीट आपकी निकलती है, ये हीट सिंक भी है। जब डस्ट आती है ना इसके ऊपर, सारे यहाँ पे जाले आ जाते हैं, और डस्ट की वजह से यहाँ पे आपके जो प्रोसेसर फ़ैन है वो हीट बाहर नहीं निकालता, और आपका जो प्रोसेसर है हीट होना शुरू हो जाता है, और आपका लैपटॉप का हार्डवेयर का इशू बन जाता है, चाहे वो रिस्टार्ट हो या बोर्ड का कोई भी इशू हो जाता है। जब ये प्रोसेसर फ़ैन जैम होगा तो ये मेन चिप जो इसकी हीट होना शुरू होगी। मेन चिप अगर डेड हो जाए आपके लैपटॉप की, तो वो रिपेयर नहीं होती, आपका मदरबोर्ड डेड हो जाएगा और आपका लैपटॉप भी ये डेड हो जाएगा। तो ये कोशिश करें कि सर्विस वगैरह आप खुद कर लें, अगर खुद नहीं कर सकते तो मार्केट में करवा लें। मार्केट में तकरीबन आपसे वो 500 के करीब कुछ लेते हैं, कोई 700 और कोई 1000 के करीब लेते हैं लैपटॉप के मॉडल के हिसाब से, तो आप वो सर्विस करवा लिया करें। ये इसका मदरबोर्ड है, ये हमने केसिंग चेंज करनी है, उसके साथ ये साइड कर देते हैं। ये हमने पहले साफ़ कर लिया है, उसकी केसिंग यहाँ पर पड़ी हुई है, ये देखें ये डैमेज है, तो ये हमने साइड पे रख देनी है। और ये बिल्कुल ओके केसिंग है। ये माउस पैड है, माउस पैड का जैक भी हमने साफ़ कर लिया और उतारे हुए हैं जैक, ये जैक भी लगा लेते हैं। आपके माउस पैड का भी इशू ये हो सकता है कि ये जैक है, अगर इसके अंदर डस्ट आ जाती है और सर्विस वगैरह नहीं कराते तो आपका माउस पैड जो है काम करना छोड़ जाएगा। इसको भी आप अच्छी तरह सर्विस कर लिया करें। और इसको इसी तरह ओपन करने के बाद यहाँ पर इसका माउस का जो जैक है वो ईज़िली आपने इस तरह लगा देना है। ये लैपटॉप का स्पीकर है, ये उतार लेते हैं। लैपटॉप का बटन लगे, ये स्पीकर है, और ये पानी, ये USB पोर्ट है, ये भी उतार लेनी है। ये देखें डस्ट इसके ऊपर कितनी है, ये अब सारी साफ हो जाएगी। ये ऑडियो और माइक की पोर्ट है साथ। इसका थंब स्कैनर है, और ये जो लगा है इस साइड पे लगा हुआ है यहाँ पे, इसको एक बार रख के देख लेते हैं। ये केसिंग ओके वाली है, इसके साथ आप स्पीकर लगा देते हैं यहाँ पे। पावर बटन का स्क्रू भी लगा लेते हैं।
पावर जैक लगा लिया है और ये अब इस साइड पे है, यहाँ पे वाईफाई का ही होगा और वॉल्यूम का जैक होगा, ये दोनों भी लगा लेने हैं। इसके एक ही स्क्रू है, यहाँ पे ब्रेक वाला होगा। ये इनके छोटे छोटे जैक हैं, इनके अंदर वायर जो है आपने लगा लेनी है, ब्रीक सी वायर है, ज़्यादा नहीं जोर लगाना है, टूट भी जाती है वायर। स्पीकर लगे हमारे, अब रह गया हमारा इसके ऊपर यूएसबी पोर्ट। इसके दो स्क्रीन हैं, ये वाले ब्लैक वाले, यूएसबी पोर्ट भी लगा लिए हैं और साथ यहाँ पे पावर बटन स्पीकर वगैरह हमने न्यू केसिंग के ऊपर लगा लिए हैं। फ्रंट केसिंग जो सारी कंप्लीट हो गई है, ये जो इसके ऊपर आएगी यहाँ पे, ये बैक वाली केसिंग है जिसके ऊपर मदरबोर्ड फिट होना है, ये अब लगा देते हैं। मदरबोर्ड का जैकेट, ये मदरबोर्ड लगा देते हैं इसके ऊपर यहीं पे। और इसके बाद यहाँ पर ये है इसकी सप्लाई का जैक है जो बैटरी का होता है, ये भी लगाना है। ये नीचे जैक है, यहाँ से पहले इसको जैक लगा लेते हैं, ये लगा हुआ नीचे। ये बैटरी का जैक था, ये लगाना ज़रूरी है, बाद में भूल के तो फिर लैपटॉप पूरा खोलना पड़ेगा। ये एक इसका स्क्रू है, ये लगा देते हैं। और साथ यहाँ पर एक ये है, ये वाला स्क्रू लगा देते हैं। बैटरी का जैक लग गया है, अब इसका जो है स्क्रू एक यहाँ पे लगना है मदरबोर्ड का, जो हमने खोला था पहले ही। ये इसका डीवी रोम का जैक है, ये भी अभी लगा लेते हैं इधर ही। ये इसके जो है हिंज के पेच है जो लैपटॉप ओपन करते हैं यहाँ से मूव करने के लिए, तो ये वाले ओपन करने पेच यहाँ पे, ये दो दो स्क्रू लगे होंगे यहाँ पे, ये वाले ओपन कर लेने इस साइड के लिए, क्योंकि किसी जो नीचे वाले चेंज करनी है, ये डैमेज है किसी की साइड से, ये आप देख सकते हैं। ये हिंचेस के साथ ही जो है एलईडी उतार ली है, अब न्यू जो केसिंग है उसके साथ सिर्फ हिंच जो है हमने लगा देने हैं। हिंचेस के साथ ही यहाँ पे सिंपल आपने ये देखें इनके सुराख बने हुए हैं, तो ये इसके नीचे से ले जानी है यहाँ पे पावर बटन के नीचे से, और इधर इस साइड पे ये हिंचेस लगे हैं, अब सिर्फ इनके स्क्रू लगे लगा देंगे। स्टार किट के हैं स्क्रू, यहाँ पे लगे हुए थे। ये हिंच भी जब टाइट हो जाते हैं तो ये केसिंग नीचे से सारी टूट जाती है। ये एलईडी का जैक है, ये इसके साथ लगा देना है। और आप देखें तो हिंच के यहाँ पे एक ये स्क्रू है और एक साइड पे था, वो लगा दिए हैं। और अब जो है एलईडी का जैक लगा, ये फ्रंट पैनल अब लगाना है कंप्लीट, हमने लगा ली है। ये यूएसबी की पोर्ट्स का इस साइड पे, ये पहले जैक लगाएंगे नीचे, ये जैक लग गया हमारा। अब जो है बैक वाला जैक जो यूएसबी का लगा दिया, अब क्या करना है कि आप जो यहाँ पे आपने पहले ही साइड से बैठा देना इसको, ठीक है, यहाँ पे केसिंग को बैठा के दोनों साइड से, केसिंग बैक से और फ्रंट से दोनों साइड से हमने फिट कर लिए। अब इसके जो जैक लगाने के बाद इसको ऑन करके देखते हैं। सिंग जो है न्यू फिट कर लिया, अब सिर्फ पावर लगाइए, बैटरी अभी कोई नहीं लगाई, सिर्फ रैम लगाइए, डिस्प्ले लेके देखना है अभी। और डिस्प्ले हमारा आ गया, अब इसको करते हैं यहाँ से बंद। और हार्ड ड्राइव लगाने के बाद माउस पैड भी चेक करना है। केसिंग और माउस पैड इस लैपटॉप का चेंज किया है, यहाँ पे आपने देखा है कि ये केसिंग जो है डैमेज थी। और फ्रंट पे अगर इसको करते हैं, ये बैक वाली केस है, ये बैक हिस है और ये फ्रंट हिस है इसका, जो लैपटॉप आप ओपन करते हैं तब आपको नज़र आता है, यहाँ से भी केसिंग जो है डैमेज थी। कंप्लीट हमने केसिंग जो अभी आपके सामने चेंज की है, यहाँ पे देखें ये बिल्कुल ओके है, और साथ इसकी बैक वाली केसिंग बिल्कुल ठीक है, और लैपटॉप भी हमारा जो है अपनी ऐसे कंडीशन में आ गया है।
यहाँ पे सिर्फ इसलिए कि ये लैपटॉप की जो विंडोज 7 है और वो एक्टिवेट नहीं है, ये स्टार्टिंग पे एरर दे रहा है वो, और माउस पैड भी नहीं चल रहा था, माउस पैड भी चल गया है, साथ आपने देखा है कि सर्विस भी सर भी लैपटॉप की हो गई है। और उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो आप तमाम बहन भाइयों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।